हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो एक नई तरीके की है। उसके लिए ये देखिए, मैंने मूलियों को कद्दूकस करके रखा हुआ है। और ये देखिए, हमारे पास एक सब्ज़ी है जो कि मैंने रात को बनाई थी। तो इसके साथ हम एक मॉर्निंग का नाश्ता तैयार करेंगे। नाउ आई स्टार्ट माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये जो सामान लिया हुआ है इसको पहले हम स्टफ करने के लिए पहले इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आटा गूंदना शुरू करेंगे। चलिए अब आटा गूंदना शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम इसमें मिलाने के लिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा काली मिर्च और मसाला। अब इसको हम मिलाकर मैश कर लेंगे अच्छे से। बस रफ सा ही मैश करना है, ज़्यादा मैश अपने आप ही हो जाता है। अब ये देखिए, मैंने इतना सा छोटा सा आटे का पेड़ा लिया है। और इसको बनाने के लिए पहले हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह हमने बेलना है। ये देखिए हमारी रोटी की तरह ये बेल चुका है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे पहले ये मूली। मूली हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी, इसको हम थोड़ा सा बस फैला देंगे। देखिए हमने फैला दिए। अब इसके ऊपर हम ये रखेंगे इसका बैटर, ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा ऐसे भून देंगे ताकि ये पानी जो लिक्विड ख़त्म हो जाए। अब मैंने एक और रोटी ऐसे बेल कर रखी हुई थी, उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और ऐसे हल्का सा बेलना लगा देंगे, बेलन लगा देंगे ताकि ये आराम से बन जाए। देखिए सभी तरफ से ऐसे करना है ताकि ये अच्छे से बन जाए। ये देखिए ये अब चिपक गई है। अब इसको हम गैस पे डाल देंगे। देखिए ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये देखिए अब हमने तवे पे रख दिया, अब इसको हम तवे पर सिकने देंगे। तवे पर पहले मैंने थोड़ा सा घी लगा कर रखा हुआ था ताकि ये फर्स्ट जो परांठा था वो चिपके ना। ये देखिए अब इसके ऊपर हम ऐसे घी लगाएंगे। सभी तरफ ये देखिए हमारे ये अच्छी तरह से अब घी लग रहा है, इस पर अच्छी तरह से सिक रहा है। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, इसको आप कभी भी बना कर खा सकते हो जब भी आपका मन करे। और सबसे बड़ा ये इसके बेनिफिट ये है कि आप इसकी जो वेजिटेबल है ना उसका बेस्ट यूज़ हो रहा है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, हमारी सब्जियाँ बच जाती हैं तो हम इधर उधर कर देते हैं लेकिन इसका हम बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है हमारा ये परांठा, और इंटरनल भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा परांठा बनकर तैयार हो चुका है। ये तो देख, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये,
कितना, जो देखिए कितना सॉफ्ट बना है बाबा ये रे। चाहे तो आप इसको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो ये देखिए आप इसको ऐसे ओपन करिए, देखिए ये कितना अच्छा, ये देखिए ऐसे करके इसको आप रोल भी बनाकर ऐसे खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रोल बनकर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए अब इसको ऐसे चाहे आप चटनी के साथ ऐसे डिप करके खाएं, चाहे तोड़ कर खाएं, ये आपकी मर्जी है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।